फ्रेंड्स ये देखिए फ्रंट व्हील बेयरिंग है पूरा, देखिए पूरा ख़राब हो गया है, कैसे हो गया है देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कार का फिर से काम आ गया है, जो फ्रंट व्हील बेयरिंग जो सब इंस्टॉल करवाए थे वो फिर से ख़राब हो चुके हैं, तो मैकेनिक वालों ने बराबर इंस्टॉल नहीं किया। तो एक्चुअली क्या हुआ था, जो मैंने बेयरिंग इंस्टॉल कराई वो बेयरिंग फिर से ख़राब हो चुके, तो यहाँ पे मैं अभी फिर से बेयरिंग इंस्टॉल करवा रहा हूँ। जो भी एक्चुअली वो मैकेनिक में बस फ्रंट व्हील बेयरिंग ही मैंने इंस्टॉल करवाया, तो यहाँ पे अभी फ्रंट व्हील बेयरिंग और पीछे के दो व्हील बेयरिंग, वो पूरे चार व्हील बेयरिंग यहाँ पे इंस्टॉल करवा रहा हूँ। वो मैकेनिक वालों ने काम बराबर नहीं किया यार फ्रेंड्स, आई एम अनसैटिस्फाइड विद दैट वर्क। उनका काम जो है व्हील बेयरिंग के अंदर एक हब आता है, तो वो हब मेरे कार का पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, उन्होंने वो हब रिप्लेस नहीं किया और डायरेक्टली बेयरिंग उन्होंने उनके अंदर डाल दिया, तो इसी के कारण फिर से मेरे कार के व्हील बेयरिंग जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो चुके हैं और इतना सारा नॉइस आ रहा है, कार बिल्कुल आप चला ही नहीं सकोगे। तो ये जेन यूज़र्स के लिए ये वीडियो है, अगर आपको व्हील बेयरिंग, आपको व्हील में से बहुत आवाज़ आ रहा है व्हील बेयरिंग से, तो आप बस व्हील बेयरिंग मत चेंज करवाइए। व्हील बेयरिंग चेंज करवाने से पहले ये चेक करिए कि जो व्हील के अंदर एक हब आता है राउंड कलर का हब रहता है, वो हब अच्छा है या नहीं देख लीजिए। अगर वो हब ख़राब हो गया है तो आपको हब भी इंस्टॉल करवाना होगा। तो हब देखिए, अभी ये तो पुरानी कार है तो आप मिलना बहुत मुश्किल है, तो मेरे कार के लिए भी वो जो हब का पार्ट है वो नहीं मिला। ऑलमोस्ट मैकेनिक भैया ने ऑलमोस्ट सब जगह देख लिया लेकिन कहाँ पर भी हब नहीं मिला, तो वो हब को जो व्हील रहता है उसे वो एडजस्ट कर रहे हैं, ग्राइंडिंग करके एडजस्ट करके उसके बाद नया जो व्हील बेयरिंग लिया है उन्होंने वो बेयरिंग उसके अंदर डाल के चेक कर रहे हैं। ऑलरेडी कल चेक कर चुके हैं लेकिन थोड़ा बहुत नॉइस आ रहा है राइट साइड व्हील में, तो राइट साइड का व्हील जो है वो एक उन्होंने फिर से बनाने के लिए दिया है, मतलब ग्राइंडिंग कराने के लिए दिया है वो हब। तो बाकी के तीन व्हील्स तो अच्छे काम कर रहे हैं। तो देखिए सामने का व्हील टायर मैं आपको बताता हूँ, वो उसका एक काम बाकी है। देखिए यहाँ का काम हो चुका है शायद, तो वहाँ का एक टायर इंस्टॉल करवाना है। तो ये देखिए सामने का जो राइट साइड का व्हील है इसका एक काम बाकी है, बाकी के चार टायरों के व्हील बेयरिंग हो चुके हैं, तो जैसे ही ये हो जाएगा फिर से मैं एक बार चला के देखूँगा, अगर कोई साउंड या कुछ व्हील का आवाज़ नहीं आ रहा, मतलब बेयरिंग का आवाज़ नहीं आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर से देखना होगा। तो फ्रेंड्स जेन यूज़र्स, आपको भी ये प्रॉब्लम बहुत फेस किया होगा, आपके बेयरिंग्स ख़राब हो गए या कार से बहुत नॉइस आ रहा है, तो वैसे ही कार मत चलाइए क्योंकि बहुत रिस्क है। जो बेयरिंग रहता है अगर वो ख़राब हो गया है तो सामने का जो टायर है वो निकल आ जाएगा बाहर, वो बहुत रिस्क है, तो वैसे ही आप मत चलाइए। जो बेयरिंग का काम है करवा लीजिए, ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगा, सामने का दो व्हील बेयरिंग 3,000 रुपये तक आएगा, और अगर हब भी चेंज करवाना है तो हब का अलग से होगा, एक हब का मेरे ख्याल से 1,000 रुपये कुछ चार्ज होगा, तो आप देख लीजिए, रिस्क मत करिए। व्हील बेयरिंग ख़राब हो चुका है तो आप पहले व्हील बेयरिंग इंस्टॉल करवा लीजिए, तो कैसे आपको कार एकदम बहुत स्मूथ चलेगी। तो जैसे ही कार का काम ख़त्म हो जाता है तो हम मिलेंगे फिर आगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है फ्रंट व्हील बेयरिंग, देखिए पूरा ख़राब हो चुका है, देखिए पूरा निकल गया है, और मैं आपको दूसरा भी बेयरिंग बताता हूँ। ये देखिए जो पीछे दिख रहे हैं छोटे छोटे, वो पीछे के बेयरिंग हैं, पीछे के टायर्स के बेयरिंग हैं, व्हील बेयरिंग है।